सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना, एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए 20 मीटर लॉन्ग रोप है और जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ से क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। सो आपके पास ये रहा वर्टिकल पोल, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। तो जो रोप है और जो ग्राउंड है उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपको ये हाइट ऑफ पोल निकाल लिया। तो चलिए मैं इसे सपोज कर लेता हूँ एक्स। हाइट ऑफ पोल क्या सपोज करूंगा, एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, काफी इजी सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज हाइट टू बी एक्स। तो चलिए मैंने इस हाइट को क्या ले लिया, एक्स ले लिया है। तो अब देखिए आपको पता है कि इसमें आपको टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी होती है। लेकिन अब आप कौन सा यूज़ करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है कि डेटा गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, ठीक है। देखिए आपको हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है, आपको गिवन क्या है, हाइपोटेनियस, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आपको हाइपोटेनियस गिवन है और आपसे पूछा है उन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप खुद बताइए मुझे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन कौन इस्टेब्लिश करता है, इन दोनों में रेशो कौन इस्टेब्लिश करता है, वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे यहाँ से पता चल गया मुझे एंगल कौन सा यूज़ करना है, तो मुझे साइन का एंगल यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज़ ए बी अपॉन बी सी, ये जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अच्छा थीटा कितना है, 30 डिग्री है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अच्छा ए बी क्या है, एक्स है, और देखिए सॉरी यहाँ पे ये बी सी नहीं होगा, ये हमने यहाँ पे बी सी ले लिया है, यहाँ पे ये क्या होगा, हाइपोटेनियस है। सो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, देखिए ए सी होगा यहाँ पे, सो ये होगा ए सी, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, ए सी। अच्छा ए सी की लेंथ यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, अभी ए सी की लेंथ अपनी कितनी आई है, देखिए 20 है, सो यहाँ पे मैं 20 रख देता हूँ। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 क्या होता है, ये होता है 1/2, ये पता है आपको, साइन 30 1/2 होता है, और ये हो गया एक्स बाय 20। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एक्स आ जाएगा 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10। यह समझ में, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, जब ये 20 मीटर में है तो ये भी किस में होगा, मीटर में। तो आपकी एक्स की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर्स। इसमें कोई डाउट है, काफ़ी इजी सॉल्यूशन था इसका, बस आपको देखना है कि जो डेटा गिवन है और जो पूछा हुआ है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा लगाना है, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। सो गाइज ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सो गाइज हियर इज द बोनस क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइस।